गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामी नारायण। आज से हम लोग हमारा जो अभी टेस्ट आ रही है PT3, उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 हमें करना है, और टोटल 30 मार्क की एग्ज़ाम रहेगी। सन ए में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स, वो 5 रहेंगी। देन मैच द फॉलोइंग, वो भी 5 मार्क के। एंड देन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, वो 5 मार्क के। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो 2 मार्क में आ सके ऐसे सम रहेंगे, वो टोटल 3 रहेंगे। एंड देन 3 मार्क के 3 क्वेश्चन, वो टोटल वो 9 मार्क के। ऐसे टोटल 30 मार्क की हमारी एग्ज़ाम रहेगी। 6 हमारा क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे फर्स्ट हमने क्या सीखा था कि कोई भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आंसर मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर, आंसर क्या मिलेगा हमें? सेम नंबर। सेम वे से हमने क्या सीखा था? नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर ऑलवेज 0 आएगा। कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। के लिए हमें क्या आना जरूरी है? हमें टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अप टू 10 और अप टू 11 टू 20, वो टेबल हमें बाय हार्ट होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे? इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, पूरा टेबल एक बार देख लेंगे। सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेशन ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 8 प्लस 8 प्लस 8 दिए हैं, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम क्या लिख सकेंगे? 7 टाइम 8 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेशन ऑफ एडिशन। था कोई भी नंबर है, अगर मैं लिखती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसके सेम आंसर रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9। कोई भी नंबर को 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा। सेम वे से हमने ये सीखा था, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑलवेज सेम नंबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9, और कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 कोई भी नंबर ले लेंगे तो। नेक्स्ट हमने 2 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो देखो 23 मल्टीप्लाई बाय 70। तो देखो हमने क्या सीखा था, ये सिंबल के पास से स्टार्ट करना है और देखना है यहाँ पे कितने नंबर है, 1 एंड 2। देन हम कितने 0 पुट करेंगे? 1 0 पुट करेंगे, समझ आए? 1 2 नंबर है तो उससे 1 लेस नंबर पुट करेंगे, ये 1 को लेना है, तो उसके बाद में कितने नंबर बचेंगे? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 0 पुट करेंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। क्या करेंगे? ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 के प्लेस के साथ, एंड देन आगे बढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे? 7 को लेंगे। देखो 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 पुट नहीं करेंगे। तो अभी क्या करेंगे? 7 3 जा 21, 1 यहाँ लिखा, 2 क्या होगा? कैरेट। 7 2 जा 14, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16। अब इसको क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 9। 2 प्लस 1 3। तो हमें आंसर क्या मिला? 391। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था? 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखो तो हमें कैसे भी दिया होगा तो हम ये लिख सकेंगे, 132 मल्टीप्लाई बाय 45। वंस अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 0 कितना आएगा? 1। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सिंबल के पास से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 यहाँ लिखा, 1 क्या होगा? कैरेट। 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट अब क्या लेंगे? 5 लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मिस 0 नहीं पुट करेंगे, तो 5 2 जा 10, 0 यहाँ, 1 कैरेट। 5 3 जा 15, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16। वंस अगेन यहाँ 1 कैरेट। 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। और ये क्या हो जाएगा? एडिशन। देखो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। 4 को यहाँ लिखा, 1 क्या होगा? कैरेट। देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 कितना होगा? 9। और ये 5। तो हमें आंसर क्या मिला? 5940। क्या सीखा था? 2 3 डिजिट के साथ 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमें दिया है 254 मल्टीप्लाई बाय 205। तो देखो क्या करेंगे, बस प्रॉपरली लिखेंगे 254
मल्टीप्लाई बाय 205। तो देखो वंस अगेन हम क्या करेंगे, ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये कितने डिजिट है, 3। ये 2 को लेना है तो इसके पीछे कितने बचते हैं, 1 एंड 2। देन कितने 0 पुट करेंगे, 2 0। अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सिंबल के पास से। तो अभी 2 का टेबल कहाँ तक, 4। 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10, 0 पुट किया, 1 क्या होगा, कैरी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। देखो ये 0 है तो फर्स्ट ये 0 है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये देख लेते हैं। देखो यहाँ 0 है, पीछे कुछ नहीं, तो कितने 0 पुट करना पड़ेगा। देखो ये 0 के बाद 1 बचा तो 1 0 पुट किया। अभी 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0। ये स्किप भी हम कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यहाँ आगे कुछ नहीं है, देन 0 नहीं पुट करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 20। 0 यहाँ लिखा, प्लस 2 क्या होगा, कैरी। 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27। 7 यहाँ लिखा, अब क्या होगा, प्लस 2 कैरी। देखो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। 0 यहाँ लिखा, प्लस 1 कैरेट, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, एंड दिस 5। तो हमें आंसर क्या मिला, 52,070। इससे क्या सीखा था, अगर हमें ऐसे दिया है कि मल्टीप्लाई बाय 3,659 बाय 238, तो उसको फर्स्ट अरेंज करके लिखेंगे। तो हमें दिया है 3,659 मल्टीप्लाई बाय 238। वंस अगेन हमने क्या सीखा था, ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2 को लिया, पीछे कितने हैं, 1 एंड 2, तो कितने 0 पुट करेंगे, 2 0। और कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ये सिंबल के पास से। तो अभी 2 को कहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो 2 9 जा कितना होगा, 18। 8 यहाँ लिखा, 1 क्या होगा, कैरेट। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। और 1 क्या होगा, कैरेट। वंस अगेन 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 3 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा, कैरी। 2 3 जा 6, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। अभी क्या करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हो गया, तो ये कैरी निकाले। अभी क्या करेंगे, 3 को लेंगे, तो देखो 3 को ले रहे हैं तो पीछे कितने नंबर है, 1, तो कितना 0 आएगा, 1 0। तो देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 9 से। तो 3 9 जा हमें पता है, तो कितना होगा, 27। तो 7 को कहाँ लिखा, यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, प्लस 2 कैरी। देखो 3 5 जा 15, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। तो 7 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा, कैरी। अब क्या करेंगे, 3 6 जा 18, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। 9 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा, कैरी। देखो 3 3 जा 9, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो देखो अभी 3 का हो गया, तो ये कैरेट कैंसिल कर दी। अभी 8 को लेना है, तो देखो 8 के बाद अभी कुछ नहीं है, तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या होगा, 8 9 जा कितना होगा, 8 9 जा 72, 2 यहाँ पुट किया, और क्या आ जाएगा, क्या होगा, कैरेट। तो देखो अब क्या करेंगे, 8 5 जा कितना होगा, 40, प्लस कितना हो जाएगा, 7, तो 47। तो 7 यहाँ लिखा, और 4 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। तो देखो अभी क्या करेंगे, क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। तो 4 को कहाँ पे आएगा, प्लस 4 यहाँ पे। तो देखो 8 6 जा कितना होगा, 48, 48 प्लस कितना हो जाएगा, 4, तो 4 कितना होगा, 52। 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। वंस अगेन क्या होगा, प्लस 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखो 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29। तो अभी क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, तो कितना होगा, 2। 7 प्लस 7 14, प्लस 1 क्या होगा, कैरी। देखो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, प्लस 1 18, 8 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा, कैरी। देखो 1 प्लस 1 2, और ये प्लस 1 9, प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20। 0 यहाँ लिखा, प्लस 2 क्या होगा, कैरी। देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, और 7 प्लस 1 8। तो हमारा आंसर क्या आया, 8,70,842। क्या देखा था कि हमें एक साथ मल्टीप्लिकेशन, सबसेक्शन, एडिशन सब दिया जाए तो क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे 112 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहाँ पे क्या है 26 मल्टीप्लाई बाय 4 है, और ये क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। क्या करना है, 112 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखो 5 2 जा 10, 0 यहाँ पुट किया, 1 कैरेट, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना होगा 6 एंड 5 1 जा 5, तो ये क्या हमें आंसर मिला, 112 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना है 560। तो यहाँ फर्स्ट ये आंसर पुट करेंगे, कितना आया हमारा 560। अभी ये सिंबल ऐसे ही लिखेंगे। अभी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, 26 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वो कर लेंगे। तो देखो 26 मल्टीप्लाई बाई 4, देखो 6 4 जा कितना होगा 24, 4 को यहाँ लिखा, 2 क्या होगा कैरेट, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो 104 कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कौन सा हमारे पास है, देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 7, जिसको टेबल आएगा वो तो डायरेक्टली लिख सकेगा, नहीं आता है वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 8 यहाँ लिखा, 2 क्या होगा कैरेट, 7 1 जा 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो आंसर क्या मिला हमें 98 को कहाँ पुट करेंगे, ये प्लस का सिंबल ऐसे ही लिखेंगे और 98। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो हमें मल्टीप्लिकेशन दिए थे वो कंप्लीट किए। अभी क्या करेंगे, जो एडिशन वाला पार्ट क्या करेंगे, 560 माइनस 104, तो देखो 560 माइनस 104, तो देखो यहाँ उसे क्या करेंगे, पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6 एंड 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, तो हमें क्या मिला 456। तो देखो ये दोनों का हमें आंसर मिल गया 456, और एडिशन प्लस क्या करना है 98। अब क्या करेंगे, 456 प्लस 98, तो 456 प्लस 98, देखो 6 प्लस 8 कितना होगा 14, 4 यहाँ लिखा प्लस 1 कैरेट, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15, 5 यहाँ लिखा प्लस 1 कैरेट, 1 प्लस 4 5, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 554। चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 डिवीजन। तो डिवीजन में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडन किससे कहेंगे, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और सबका और उसका फॉर्म्यूला सीखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं, सीखा था यहाँ पे है वो डिवाइजर, डिवाइडन, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो 12 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 48 यहाँ पे, तो 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0, तो देखो ये जो यहाँ रह गया वो क्या है रिमाइंडर, फिर ये क्या है हमारा क्वेश्चन, ये क्या है हमारा डिवाइडन, एंड दिस वन इज डिवाइजर। तो इसका रिलेशन हमें पूछा जाता है, और एग्जाम में हमें क्या लिखना होता है, पूरा सम करके ये हमें पूरा इक्वेशन लिख के ये हमारा सम सही है या नहीं वो भी लिखना पड़ता है। तो वो इक्वेशन एक बार याद कर लेते हैं, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमने कैसे याद किया था, डी आई इज इक्वल टू डी आई आर मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा डिवाइजर है, तो यहाँ 12, फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 4, तो 4 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया 0, तो 4 12 4 जा 48 प्लस 0 48, एंड डिवाइडन हमारा क्या था 48, तो ये आ गया 48, तो दो थार इक्वल, देन हमारा सम क्या है सही है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको प्रॉपरली ये पूरा इक्वेशन लिखना है, फिर ये उसकी से सारे की क्या लिखनी है वैल्यू लिखनी है, फिर पूरा ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन करना है, एंड देन आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो उसके मार्क नहीं मिलेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है, देन ओनली आपको मार्क दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर के एक भी मार्क नहीं मिलेंगे। एग्जाम में पूछा गया 0 डिवाइड बाय 84, तो जस्ट अपने हमने क्या देखा, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 आंसर क्या आएगा ऑलवेज 0,
एनी नंबर डिवाइड बाय 1, 88 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा 88, एंड सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। हम करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा। देन हमने क्या सीखा था, टू डिजिट के नंबर का देखा था, टू डिजिट का। तो देखो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, 99 डिवाइड बाय 11, तो देखो 11 को यहाँ लिखा, दिस वन इज 99, तो हम क्या करेंगे 11 का टेबल बोलेंगे, तो 11 नाइन जा 99, 9 माइनस 9 ये 0, ये 0, तो ये हमारा क्या है रिमाइंडर 0, डिवाइजर 11, क्वेश्चन 9, एंड दिस वन इज डिवाइडेंड इज 99। सेम वे से हमने क्या सीखा था, नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर 0। सेम वे से नंबर डिवाइड बाय 1 सेम नंबर, एग्जाम में पूछा गया 0 डिवाइड बाय 84, तो जस्ट अपने हमने क्या देखा, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 आंसर क्या आएगा ऑलवेज 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 1, 88 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा 88, एंड सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। हम करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा। देन हमने क्या सीखा था, टू डिजिट के नंबर का डिवीजन देखा था टू डिजिट का। तो देखो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, 99 डिवाइड बाय 11, तो देखो 11 को यहाँ लिखा, दिस वन इज 99, तो हम क्या करेंगे 11 का टेबल बोलेंगे, तो 11 नाइन जा 99, 9 माइनस 9 ये 0, ये 0, तो ये हमारा क्या है रिमाइंडर 0, डिवाइजर 11, क्वेश्चन 9, एंड दिस वन इज डिवाइडेंड इज 99। हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली रीड करना है, फिर सोचना है कि इसमें कौन सा थिंग जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है देन हम क्या करेंगे, रिपीटेशन ऑफ एडिशन है देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एंड रिपीटेशन ऑफ सबट्रैक्शन है देन हम क्या करेंगे डिवाइडन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, सांस मदर स्पेंड 480 मिनट एज हर क्लिनिक, हाउ मेनी आवर्स सी स्पेंड हर क्लिनिक। तो यहाँ पे हमें दिया है कि सान की मदर है वो 480 मिनट उनकी क्लिनिक में बिताती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट। तो उसकी मदर कितना 480 मिनट क्या करती है क्लिनिक में बिताती है, दैट मीन्स 480 माइनस 1 टाइम 6 करेंगे तो 1 आवर होगा, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक 0 आएगा, उतने आवर उसकी मदर क्या होगी क्लिनिक में होगी, इतने आवर समय मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली हम क्या कर देंगे 480 उसको किससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऑलरेडी हमने किया है। देखो हम क्या करेंगे 6 का टेबल बोलेंगे एंड 0 पुट करेंगे, तो हमें पता है 6 8 जा 48, तो 8 यहाँ पे और ये 0 और ये क्या करेंगे यहाँ 0 पुट करेंगे, तो ये 0 ये 0 एंड 0, तो कितने आवर्स 8 आवर्स वो क्या करेगी हॉस्पिटल में रहेगी मिस की क्लिनिक में, सी स्पेंट 8 आवर्स इन अ क्लिनिक। माय फेवरेट टीवी शो इज 2100 सेकंड लॉन्ग, हाउ मच टाइम इज दैट इन मिनट। तो यहाँ पे हमें सेकंड दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हमें पता है क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेकंड, तो हमें कितनी दी है 2100 सेकंड दी है, उसको हमें कितने में कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम क्या करेंगे 2100 डिवाइड बाय क्या करेंगे 60। तो देखो बच्चों देखो वन यहाँ पे हम क्या करेंगे हमें टोटल सेकंड चाहिए, तो हम -60 -60 करते जाएंगे और टोटल जितनी बार 16 होगा वो हमारा आंसर होगा, दैट्स वाई हमने क्या किया है यहाँ डिवाइड किया है, डायरेक्ट 60 का टेबल तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 6 का टेबल बोलेंगे एंड 0 पुट करते जाएंगे, तो हमें पता है 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा बढ़ जाएगा, तो हम क्या लेंगे 6 3 जा 18 और ये 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 है, दैट्स वाई ये 0 से 0 गया, और यहाँ पे ये 10 लिया तो 10 प्लस 1 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये 0। अब क्या करेंगे ये 0 को यहाँ डाउन लिया, देन 6 5 जा 30 एंड 10 पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो देखो ये मिनट्स होंगे 35 मिनट्स होंगे, तो हमें लास्ट में लिखना भी है कि वो 35 मिनट्स अपना शो देखती है, सी स्पेंड टाइम इन 35 सेकंड टीवी शो। नेक्स्ट वन यहाँ पे हमें क्या दिया है, साधु ऑन वो साइलेंट रहता है, डिड नॉट स्पीक फॉर द 7200 आवर्स, हाउ मच टाइम सी
टाइम दैट अ डे। अभी हमें क्या दिया है, आवर्स दिया है और उसको क्या करना है, डे में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है वन डे में कितने होंगे आवर्स, 24 आवर्स होंगे, और टोटल हमें कितने आवर्स दिए हैं, 7200 आवर्स दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 7200 डिवाइड बाय 24 कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, मल्टीपल्स एंड फैक्टर में हमने क्या देखा था कि अ प्रोडक्ट ऑफ द काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर। जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका प्रोडक्ट आएगा वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लायर, एंड द मल्टीप्लायर ऑफ द नंबर इज डिवाइजेबल दैट नंबर। तो यहाँ पे देखो, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, देन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज डिवाइजेबल बाई 8, इज डिवाइजेबल बाई 4 एंड 2, एंड 4 एंड 2 इज मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। और हमें मालूम है, नेक्स्ट हमने देखा था इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो जो जिस नंबर के 1 के प्लेस में क्या होगा, 0, 1, 2, 4 एंड 6 जो है वो क्या होगा, 1 के प्लेस में, मीन्स के लास्ट डिजिट होगा, दैट नंबर इज इवन नंबर। एंड अनदर नंबर लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9 वो 1 के प्लेस पे रहेगा, तो देन वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो आपको कोई भी नंबर दिया जाए, पूछा जाए ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 का प्लेस देखेंगे एंड आंसर लिखेंगे। अगर 1 के प्लेस पे क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, देन इवन नंबर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर। नंबर यहाँ पे जैसे दिया है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30, सो 30 इज द मल्टीपल ऑफ, तो 30 किन दोनों के मल्टीपल से बनाए, तो आगे ही हमें दिया है 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 6। तो आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो हम इजीली लिख पाएंगे। देखो, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 77, तो 7 इज द मल्टीपल ऑफ, सेम वे से 7 एंड 11 का मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल, तो देन क्या आएगा, 77, तो 7 एंड 11 यहाँ आंसर आएगा। देन नेक्स्ट हमारा था कि हमें किसी भी नंबर का क्या लिखना है, मल्टीपल्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 का लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 6, मीन्स के 1, 2 एंड 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर हम बोल सकते हैं हम टेबल लिखेंगे, बट बड़ा नंबर होगा तो हमें टेबल नहीं आएगा। देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो नंबर यहाँ दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे, 1 से, क्योंकि हमें फर्स्ट 3 बोला है, दैट्स व्हाई फर्स्ट 1 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से। नेक्स्ट हमें ऐसा भी पूछा जाए कि सर्कल द इवन नंबर, सर्कल द ऑड नंबर, तो वो तो हमें इजीली मालूम है किसे इवन नंबर बोलेंगे एंड किसे ऑड नंबर बोलेंगे, तो उस हिसाब से जैसे पूछा जाए ऐसे हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट हमें पूछा जाए, कंडीशन दी जाए कि राइट द मल्टीपल ऑफ 3 दैट ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 35, ऐसी कोई भी कंडीशन दी जाए कि ये नंबर के बीच में, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, इस नंबर से लेस देन मीन्स के छोटा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर का अगर टेबल आता है तो टेबल में देखेंगे, अगर टेबल नहीं आता है, बड़ा नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो आंसर आएगा वहाँ वो क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दी है कि ये नंबर से बड़ा, ये नंबर से छोटा, उस कंडीशन के अप्लाई में जितने नंबर होंगे वो राइट डाउन करेंगे। देखो यहाँ पे हमें राइट द मल्टीपल ऑफ 3 दैट द ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 35, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल बोलेंगे, तो हमें पता है 3 6 18, तो वो तो छोटा रहेगा, फिर क्या करेंगे, 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21 से स्टार्ट करेंगे, और 3 10 जा 30, यहाँ हमें 35 तक जाना है, देन क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33, और उसे फिर आगे बढ़ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे लिखेंगे। में फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई भी नंबर है वो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का एक फैक्टर है और वो 1 का फैक्टर भी रहेगा, तो कोई भी नंबर के 2 तो फैक्टर रहेंगे ही, एक 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ। अनदर हम देखेंगे कि वो किन किन के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30, देन 5 एंड 6 आर क्या हो जाएंगे, 5 एंड 6 आर फैक्टर और मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें 5 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 30, तो 5 एंड 6 आर फैक्टर। सेम वे से 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 8 एंड 6 बोथ आर द फैक्टर। तो ये हो गई फैक्टर की बात, जो 2 के मल्टीप्लाई से आंसर मिलता है, तो वो जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो जो जिस नंबर को हमने लिया है उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे।
क्या देखा था? डिवाइजेबल की देखी थी, तो सबसे फर्स्ट टू की देखी थी। टू के लिए क्या कंडीशन थी कि वन के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, या तो फिर इवन नंबर भी बोल सकते हैं। देन वो क्या हो जाएगा? टू से डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट हमने डिवाइजेबल की बाय 10 देखी थी, तो 10 के लिए क्या चाहिए? वन के प्लेस पे 0 होगा, देन वो क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइजेबल होगा। सेम वैसे डिवाइजेबल की बाय 5, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वन के प्लेस पे या तो 5 और 0, दोनों में से जो भी कंडीशन होगी वो 5 से डिवाइजेबल होगा। मीन्स के वन के प्लेस पे या तो 5 होगा, देन वो 5 से डिवाइजेबल होगा, या तो 0 होगा, देन वो 5 से डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट हमने 3 का देखा था। 3 के लिए क्या कंडीशन थी? कि जो भी हमें नंबर दिया है उस नंबर के, जो नंबर है उसका क्या हो करना है? हमें एडिशन करना है, और वो जो एडिशन है वो 3 से डिवाइजेबल होगा, देन वो क्या होगा? 3 से डिवाइजेबल होगा। देखो यहाँ पे हमें ये एग्जांपल भी दिया है, 612 के लिए हमें क्या करना है? हमें बताना है ये 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 + 2, तो देखो 6 + 1 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 है वो क्या है? 3 से डिवाइजेबल है। 9 3 3 9, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये 9 डिवाइजेबल है 3 से, तो ये होल नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइजेबल होगा। दैट मीन्स हमें 3 के लिए पूछा जाए कि ये नंबर डिवाइड, तो जो भी नंबर दिया है उसका क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन करेंगे, एंड जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे कि वो 3 से डिवाइजेबल होगा या नहीं। अगर आपको पूछा जाए कि ये नंबर दे दिया है हमें 6 8, और यहाँ ब्लैंक दी है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? 3 से डिवाइजेबल होगा। तो देखो हमें 6 + 8 + यहाँ कुछ करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो हमें क्या चाहिए? 3 के और स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना, ऐसा बोला जाए। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है, तो हम क्या करेंगे? 6 + 8 कितना हो जाएगा? 14। तो अभी 14 में ऐसा क्या ऐड करेंगे जो वो 3 के टेबल में आएगा? तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा, देन वो क्या हो जाएगा? 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे 1। हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये नंबर डिवाइजेबल 10 से है, 5 से है, 6 से है, या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिए जाएंगे कि ये नंबर डाउन में से किससे डिवाइजेबल होगा, तो हम क्या याद करेंगे? जो की है उससे कंपेयर करेंगे, और वो किससे डिवाइजेबल होगा वो देखेंगे।